ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे। आज हम नंदनंदन के जन्म कथा के श्रवण किए, इसलिए मैं समझता हूँ इतने लंबे समय तक बैठे रहने पर भी ये तो अद्भुत है। व्यास जी की वाणी और आज जो हमने श्रवण किया कि इतने लंबे समय तक और कई स्कंदों को उसी के सारांश निकालना और कहना ही क्या है कि सभी जो मुख्य बातें हैं उनको स्पर्श करके और बहुत ही सुंदर ढंग से आज श्रवण हुआ। ऐसे तो कहना ही क्या है कि हम जब ऐसे वक्ता से श्रवण करते हैं जो 1200 से भी अधिक कथा कर चुके हैं तो ये अपने आप में गुरु कृपा और ईश्वर कृपा ही कहें, और हम भी अपने में पुण्य रखते हैं, हमारे पास पुण्य है, इसलिए ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है। अभी अधिक समय हमारे पास नहीं है, जो समय में हम कुछ विषयों पर विचार कर रहे हैं तो वो अपने आप में कि एक पुनर्अवलोकन ऐसा ही समझना चाहिए। वस्तुतः ऐसा कोई विषय नहीं है जो भागवत में आया नहीं है। जैसा महाभारत के बारे में कहा जाता है वैसे ही भागवत के बारे में भी है, किंतु होता यह है कि जो 18,000 श्लोक हैं उनको एक साथ हम श्रवण नहीं कर पाते हैं, और 7 दिन में वो 18,000 श्लोकों को पूरा कथा के रूप में सुनाना भी असंभव है। और विशेष करके जितने उपदेश आते हैं, आज जैसे स्तुति, देवताओं की स्तुति, ऐसे बहुत सारे हैं अंत में जो ब्रह्मोपदेश, बिल्कुल उपनिषद के सार, पूरे वेदांत उसमें मिल जाते हैं। तो वो तो जब आप प्रत्येक पद लेकर के अध्ययन करेंगे तब आपको प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे विचार उसी के लिए होता है जो हमने सुना है, कुछ दूसरे प्रकार से उसको समझे।
सृष्टि के विचार में कल हम कुछ बातें की हैं, कुछ चर्चा हुई है कि जैसे भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होते हैं और अपने ही रूप को दर्शन करने के लिए, अपने विभूति को ही दर्शन करने के लिए प्रकट होते हैं, ये आपने सुना। उसी को ही आगे लेते हुए विशेष करके भागवत में जो रास पंचाध्यायी है, इसमें वस्तुतः क्या विषय है, मतलब क्या चर्चा है उसमें, ये कहां से संबंध करता है इसको? रास पंचाध्यायी दशम स्कंध के पूर्वार्ध के 29वां अध्याय से लेकर के 33वां अध्याय तक है। इसको जैसा समझा जाता है, जैसा सुना जाता है, रास लीला के रूप में, महारास के रूप में सब सुना जाता है, तो उसमें ऐसा कैसा है, क्या अर्थ है उसमें, क्यों इसको भगवान ने अपनी लीला के रूप में प्रकट किया, नहीं प्रकट करते तो क्या होता है? क्योंकि जब हम विचार करते हैं तो ऐसे ही विचार करना चाहिए, यदि वो ये पांच अध्याय ना होते तो क्या कुछ कमी रह जाती भागवत में? लगता तो नहीं है कि ऐसे कोई कमी होगी, यदि ना रहते तो कमी रह जाती, ऐसा तो नहीं लगता। तो व्यास जी ने रखा है तो उसका कुछ कारण है, क्योंकि सृष्टि के संबंध में जब विचार करते हैं, सृष्टि के अनेक पहलू हैं, सृष्टि में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, और सुर भी है, असुर भी है, मनुष्य भी है, प्राणी है, सब है, सब प्रकार सृष्टि में। तो ये जो रास पंचाध्याय में वेदव्यास जी ने प्रकट किया, इसका बहुत महत्व है। इसके विषय में विद्वानों ने अनेक प्रकार से विचार किए, जो संस्कृत टीकाएं हैं श्रीधर आदि, उनमें भी अपने अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए, और हमारे परम पूज्य परमाराध्य करपात्र जी महाराज जी जैसे विरक्त शिरोमणि संतों ने भी अपने अपने विचार इस पर प्रकट किए। कारण क्या है कि ये सीधा सीधा लगता नहीं, व्याख्या क्यों करनी पड़ती है जब आपको साक्षात कुछ समझ में ना आता, यदि उसमें कुछ वक्रोक्ति है तो व्याख्या की आवश्यकता होती है। तो रास पंचाध्यायी में, अन्यत्र भी है, बहुत सारे जगह वक्रोक्ति है, लेकिन रास पंचाध्यायी में श्लोकों में सीधा सीधा अर्थ कुछ और लगता है और उसमें ढूंढना पड़ता है, यानी जो साहित्य में वक्रोक्ति बोलते हैं, इस प्रकार के कुछ शब्द है उसमें। तो उस पर प्रवेश करने के लिए एक भूमिका के रूप में मैं सृष्टि के बारे में ही कुछ और बातें आपको सुनाऊंगा, जिससे कि यह बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। एक प्रकार की सृष्टि आपने भागवत में श्रवण किया, आप उपनिषद श्रवण, संभूत आकाशाद वायु वायोर अग्नि अग्नेराप इत्यादि क्रम से सृष्टि बताई गई है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सृष्टि का
विस्तार है। सांख्य दर्शन के अनुसार कपिलोपदेश में आप देखेंगे, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष, पुरुष के सान्निध्य में प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्राओं से पंचभूत, फिर पंचभूतों से संपूर्ण सृष्टि, ये एक प्रक्रिया है। दूसरी अनेक प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया है कि हिरण्यगर्भ सृष्टि के आदिकाल में स्वयं को दो विभाग में किया। सहेदावानास यथा स्त्री पुमांसौ संपरिशक्तौ, ऐसे हिरण्यगर्भ थे, समझिए कि एक स्त्री और पुरुष युगल दोनों साथ में आलिंगन लगा के बैठेंगे, खड़े रहेंगे, तो कितने मात्रा में होंगे दोनों मिल, उतने मात्रा में हिरण्यगर्भ है, ऐसा बता। अब फिर क्या किया, स इमाम मेव आत्मानं द्विधा विभाजयत पदिश्च पत्नीश्च अभवताम, ये वेद में है, शतपथ ब्राह्मण में, उसके अंतर्गत जो बृहदारण्यक भाग आता है उसमें। अब यहां उसके पूरे रहस्य है। तो ये हिरण्यगर्भ ने अपने को पति और पत्नी के रूप में आधा आधा करके दो विभक्त किया। हमारे सारे धर्म का रहस्य कहां छुपा हुआ है, सारे कर्मकांड, सारे वेद कहां है आपको मालूम है, गृहस्थाश्रम में। वेद के जितने भी मंत्र है, आप मंत्र की समझ लीजिए 100,000 मंत्र है, 100,000 सूक्त है वेद में, उसमें 80,000 से भी अधिक केवल केवल गृहस्थों के लिए है, अर्थात पति पत्नी दोनों मिलकर के ही कर सकते हैं। ये तो आपने सुना होगा, अभी यहां भी जो प्रातःकाल कर्मकांड होते हैं, यजमान और यजमान पत्नी दोनों को बैठना पड़ता है। और ऐसा कोई कर्म नहीं कर्मकांड के संबंध में जो अकेला पति कर सकता हो या अकेला पत्नी कर सकता हो। लेकिन कथा श्रवण के विषय में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नहीं सोचना है कथा श्रवण में ऐसा नहीं है। लेकिन कर्मकांड में दोनों साथ साथ ही होना चाहिए, ठीक है। कारण क्या है, ये है उसका रहस्य, क्योंकि सृष्टि बनाते समय स्वयं ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ दो विभाग में विभक्त हो गया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद इसी बात को मनुस्मृति में भी पहले अध्याय में 13वां श्लोक में या 32वां श्लोक में इसी बात को मनु भी कहते हैं, बिल्कुल वेद के अनुसार, मनुस्मृति तो वेद के अनुसार ही है, वहां भी कहते हैं अर्धेन नारी तस्याच इत्यादि कहते हैं। तो आधा आधा बन गया, आधा आधा बनने से क्या है कि अपूर्ण है। वही वेद भाग में आगे कहते हैं एकाकी न रमते, अकेला रमण नहीं होता। फिर क्या है, वो स्वयं अयच्छत, अपने आप चिंतन किया कि मुझे पत्नी हो जाए, जाया में स्यात अधा कर्म कुर्वीय, क्योंकि जाया के बिना कर्म नहीं हो सकता। तो ये एक सृष्टि प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरे हम सुनते हैं कि सृष्टि के आदिकाल में सनकादि ऋषियों को, मानस पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन सनकादि ऋषि रुके नहीं, बाबा जी को कहे कि हम ये संसार में नहीं पड़ते हैं, हम निकल रहे हैं हिमालय की ओर, वो बद्रीनाथ की ओर चले गए। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि आगे संसार को कैसे चलाएं, कि ये तो जन्म लेते ही बोले कि हम संसार में नहीं जाना चाहते हैं, हम तपस्या करना चाहते, ये संसार बंधन हमको नहीं चाहिए।
सनकादि कुमार चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने चिंतन किया कि ऐसा नहीं होगा, अब आगे जिनको बनाएंगे उनको तो संसार में फंसाना ही पड़ेगा, क्यों, उसके बिना सृष्टि आगे नहीं चलेगी। फिर अन्य जो ऋषियों को, सप्तर्षियों को, अन्यों को, जो मानसिक पुत्रों को उन्होंने बनाया, जन्म दिया और सबको विवाह करके संसार में छोड़ दिया। एक हो गया निवृत्ति मार्ग, दूसरा प्रवृत्ति मार्ग, ये भी दो साफ साफ आपको दिखाई पड़ता है। और ये सत्य ऐसा है कि इसके विषय में शंकराचार्य जी अपने गीता भाष्य के अवतरण में लिखते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं सब वहीं का है, कि निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग दो हो गए। अब आप कहेंगे कि सृष्टि के आदिकाल में यही हुआ था, ऐसी बात नहीं है, आज भी प्रवृत्ति मार्ग भी है निवृत्ति मार्ग भी है। एक ही माता पिता के पुत्र होते हैं तो एक तो जन्म से ही विरक्त हो जाते हैं और घर से निकलते हैं, उनको कुछ भी दे दो, उनको जग संसार में बांधना संभव नहीं, स्वतः ही निकल जाते हैं, जैसे हमारे कितने आचार्य हैं और हम सब ऐसे ही निकल गए, बचपन में ही घर से निकल गए। और कुछ ऐसे हैं कि वो संसार में रहेंगे और फिर संसार को चलाएंगे, अर्थात ये निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग सौदा है। अब जो दो बातें मैंने कही, ये क्या पहले कहा कि वेद पूरे, कर्मकांड पूरे, गृहस्थाश्रम पर आधारित है, गृहस्थाश्रम के बिना वेद चलने वाला नहीं, परिवार के बिना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने के बाद कोई कर्म में अधिकारी नहीं है, ऐसे कर्म नहीं कर सकते, कर्म त्याग दिए, जब शिखा सूत्र त्याग दिए संन्यास में और मुंडन करके कपड़ा डाल दिया, पर उसके बाद बहुत सारे कर्मों में हमको अधिकार नहीं। वो तो आजकल कुछ परिवर्तन हो गया इसलिए मैं सब नहीं बोल रहा हूं, वो तो कुछ तो कर रहे, लेकिन संन्यास नियम के अनुसार बहुत कुछ नहीं, तो फिर चलेगा कैसे। तो संसार में, संसार के नित्यत्व सत्यत्व बनाए रखने के लिए, वो किसलिए बनाए रखना है, क्योंकि इसी संसार से आपको चारों पुरुषार्थ प्राप्त करना है। ये शरीर एक उपाधि है, इस उपाधि के द्वारा आपको चारों पुरुष प्राप्त करना है। अब फिर ध्यान करिए कि ब्रह्मा जी ने अपने ही एक शरीर को दो भाग में विभक्त किया, तो अर्थ क्या हुआ कि स्त्री और पुरुष को हमारे शास्त्र के अनुसार, कर्मक नियम के अनुसार बराबर अधिकार दिया, इतना तक अधिकार दिया कि आप मीमांसा सूत्र के षष्ठाध्याय अध्ययन करेंगे कि केवल एक जन्म का बंधन नहीं, जब सात फेरे लेकर के जो बांधते ना, गांठ बांध करके जो करते हैं, वो केवल एक जन्म इस जन्म का नहीं, सात जन्म तक, यहां तक आगे भी आपके साथ रहेंगे, ये बड़े मुश्किल है। और दूसरी बात, हमारे यहां आपने देखा होगा हमारे शास्त्र में सब काम के लिए विधान है, लेकिन तलाक के लिए कोई विधान नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार अलग नहीं कर सकते, विवाह करने तक है, तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए कोई मंत्र नहीं है, उसके लिए कोई विधान ही नहीं है, अलग कर ही नहीं सकते आप। तो सात फेरे लेके जब दोनों एक हो जाते हैं तो क्या हुआ कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी का जो दो भाग किया था वो दोनों भाग को आपने एक कर दिया, अब दोनों भाग जुड़ गए हैं, अब पूर्ण हो गए, अब कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, और फल भी ऐसा मिलता है मीमांसा दर्शन के अनुसार, वेद मंत्र में भी ऐसा है कि एक जो करेगा वो दूसरे को भी उस सगा भागी होता है।
और अलग अलग तो कर नहीं सकते, जो करेगा दोनों में ही मिलेगा। तब वहां प्रश्न किया, ये जानने योग्य बात है, वहां प्रश्न किया पूर्व पक्ष ने कि ऐसा है तो फिर यहां से जब चल पड़ेगा तो एक तो यहां रहते हैं, दोनों साथ साथ चलना तो नहीं होता है, एक पहले जाते हैं दूसरा बाद में जाते हैं, तो यहां जितने कर्म किए स्वर्ग जाने के लिए, ऊपर के लोग प्राप्त करने के लिए कर्म किए, अब एक पहले जाएगा तो दूसरे का क्या होगा, तो उसको वहां जाके तो रुकना पड़ेगा। फिर बोला ऐसा ही होता है, यहां दोनों मिलके कर्म किया है, सहभागी है, तो वो वहां फल भी सहभागी ही मिलेगा, ये निर्णय लिया उन्होंने। और एक जो पहले जाते हैं, पति या पत्नी कोई भी जाएंगे, दूसरे आने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ में कर्म किया है, आधा तो इधर है, वो कैसे वहां आधा का फल मिलेगा, नहीं मिलता। इतना स्पष्ट है। और हमारे सनातन धर्म इसलिए गृहस्थाश्रम पर प्रतिष्ठित है, आश्रमों की माता कहते हैं गृहस्थाश्रम, ऐसे स्मृति आदि में देखेंगे कई जगह लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति कहीं भी देखिए आप, क्योंकि ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थी सब कहां से बनता है, गृहस्थाश्रम से बनता है। एक सद्गृहस्थ से ही एक अच्छे सन्यासी बनते हैं, एक सद्गृहस्थ से ही एक अच्छे ब्रह्मचारी बनते हैं, क्योंकि संस्कार तो माता पिता गुरु इस क्रम से आता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान वेता इस क्रम से आता है। तो ये तो आप समझ गए कि ये दोनों को साथ में होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, असली बात ये है, जो अलग अलग जगह जन्म लिए, दो अलग अलग भागों को कैसे जोड़ा जाए, तो बड़ी समस्या है, मैंने युगल कैसे बना दिया जाए, इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। पुरुष कहीं अन्यत्र जन्म लेता है, वर कहीं अन्यत्र जन्म लेता है, और वधु कहीं अन्यत्र, इसके पूर्व उनका कोई पारिवारिक संबंध नहीं, और संबंध होना भी नहीं चाहिए, गोत्र के अनुसार संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा संबंध नहीं हो सकता साक्षात, दूर दूर रहते हैं, इनको जोड़ना तो है, किस हिसाब से जोड़ेंगे। अब गलत जोड़ दिया, नहीं चले, तब आपत्ति क्यों, फिर आगे दोनों का जीवन बर्बाद होने की स्थिति है, दोनों को कर्म का फल नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी समस्या, आप क्या करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने शास्त्र बनाया, आपको चुनने के लिए ज्योतिष देखना पड़ेगा, ज्योतिष के अनुसार राशि नक्षत्र इत्यादि इत्यादि मिलाकर उसके क्रम से देखना पड़ेगा। तो अनेक प्रकार के विवाह है, उसमें मुख्यतः इस प्रकार के विवाह, और गांधर्व विवाह एक अलग है, उसके लिए विशेष व्यवस्था है, वो देखेंगे। तो उसमें ये जो कर्म के अनुसार इन दोनों का संबंध होना है करके, वो कर्म के अनुसार वो निश्चय होता है, और बहुत बारीकियां होती है उसमें, वो सब दे करके निश्चय करते हैं, ये दोनों की कुंडली मिल जाती है, यानी ये दोनों साथ साथ में जी सकते हैं, कितने साल तक, आजीवन, और यहां से आगे भी जैसा कर्म के अनुसार कहे। तो आजीवन दो शरीर दो मन को जोड़ना कितना मुश्किल काम है, तो समझ लीजिए कैसे कैसे भी जोड़ दिए। अब यहां जब आते हैं तो भगवान को सोचना पड़ा कि दो जीव को हमने जोड़ दिया, अब इनसे संतानों की उत्पत्ति, क्योंकि सृष्टि का एक क्रम है, एक सार है, सारी सृष्टि में आप देखेंगे संतान की उत्पत्ति युगल से ही होते हैं, दो तो जुड़ना पड़ेगा, उसके बिना संतान की उत्पत्ति नहीं होती। तो जैसे हम सच्चिदानंद ब्रह्म को कहे, उसमें आनंद की बात हुई थी, तो ये आनंद को उन्होंने माध्यम बनाया, क्योंकि जहां आनंद मिलते हैं वहां ये जुड़ जाता है, आनंद से ही, हमने कहा था ना आनंद से ही जोड़ना होता है,
आनंद से ही बंधुत्व बनता है, आनंद से ही मित्र बनता है, सब आनंद से होता है। तो आनंद को माध्यम बनाया, बाकी सद और चित्त को छोड़ दिया क्योंकि वो तो सामान्य है। आनंद को माध्यम बना के उसको ऐसे एक रस के रूप में शरीर में मन में उत्पन्न करता है कि जो उत्पन्न होने के बाद दोनों में आपस में जुड़ने की इच्छा पैदा होती है। इसी को काम कहते हैं या फिर रस के भाषा में श्रृंगार रस कहते हैं। अब आप दूसरी दृष्टि से देखिए, यदि इस प्रकार दोनों का मेल नहीं हुआ, ये हमने जो बोला ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद के आनंद के ही ये स्वरूप है, उसके ही प्रकट रूप है, ये भगवान ने रखा है, नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अब देखिए जुगल बनेंगे नहीं, सृष्टि होगी नहीं, कैसे दो शरीर आपस में जुड़ेंगे, कैसे दो मन आपस में जुड़ेगा, कैसे संतान की उत्पत्ति होगी? नहीं हो सकती। ये केवल मनुष्य की बात नहीं, जितने भी प्राणी हैं जो आपके सामने दिखते हैं नहीं दिखते हैं, प्राणी वृक्ष लता आदि कुछ भी लीजिए, आप तो साइंस तो पढ़े ही होंगे जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो कहीं भी देखिए ये रस उसमें रखा है, उसके बिना नहीं होगा। और उसके भी यदि अध्ययन करेंगे तो ये अद्भुत है, कितने चमत्कार रूप से ये सब किया है भगवान। अब जो है ये रस तो सृष्टि के संबंध में हो गया, ये स्वाभाविक हो गया है रस। अब इससे आपको आध्यात्मिकता के ओर भी ले जाना है, यानी आपको उस स्तर पर पहुंचाना है जहां से आप परमात्मा का दर्शन भी करेंगे। क्योंकि संतान किससे प्राप्त होता है, हम क्या कहते हैं, परमात्मा ने दिया। कोई भी माता पिता अपने ऊपर दायित्व तो नहीं दे लेता है। बच्चा पूछता है कि आपने मुझे काला क्यों पैदा किया, जैसे कन्हैया ने पूछा था, माता पिता क्या कहते हैं, अरे हमें क्या पता, भगवान ने जो दिया बस। क्यों ऐसा कहना पड़ता है? माता पिता कह सकते हैं तो हमने बनाया, नहीं नहीं कह सकते, नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है कि हम केवल माध्यम हैं, माध्यम हैं, सृष्टि तो कोई और ही करता है। कभी कभी हमने ऐसे भी देखा, माता और पिता दोनों गोरे हैं और पुत्र तो श्यामल है, ऐसे भी देखा। और कभी कभी माता पिता दोनों सांवले रंग के हैं लेकिन दूसरा भी पैदा होता है उसमें, ऐसे कुछ तो ऐसा दिखता है। उसका शास्त्र अलग है, साइंस अलग है, लेकिन सामान्य बुद्धि में ऐसा होता है। तो ये सब किसका कराया है, कौन कराता है, ये सब वही परमात्मा ये कराता है। अब ये स्वाभाविक जो गुण है, हमारे शास्त्र का ये विधान है, स्वाभाविक जो गुण जिसको कहते हैं उसको व्यवस्थित करके आध्यात्मिक में बदलते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये आपने सुना है, इसको स्वाभाविक धर्म कहते हैं। प्राकृतिक, स्वाभाविक अर्थ प्राकृतिक है, यानी सभी प्राणी में यह है, भोजन सभी चाहता है, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये सबके लिए बराबर होता है। किंतु मनुष्य में यह विशेषता है, मनुष्य इसको व्यवस्थित कर सकता है, संयम कर सकता है इसमें, और संयम के द्वारा उसके अंतर आत्मा को, उसके अंदर के स्वरूप को जान सकता है, तत्व का ज्ञान उसको हो सकता है। इसीलिए आहार में भी व्यवस्था दी कि आहार में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, शास्त्र तो यही विधान करता है, किस समय क्या लेना चाहिए इत्यादि।
इसी प्रकार निद्रा में प्रातः काल आप उठो, संध्या करो इत्यादि। भय के संबंध में भी बहुत कुछ कहा है, क्योंकि भय तो ऐसा एक का अनुभव है कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, मृत्यु भय तो लगा ही रहता है। तो उससे मुक्त होने के लिए बहुत सारे साधन बताए, संध्या वंदन से लेकर के जो जो साधन बताए, तब सभी उसी के लिए है, अभय प्राप्त करने के लिए। और फिर मैथुन जो सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसमें भी व्यवस्था बताई, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है इत्यादि। तो ये जो परमात्मा का ही दिया हुआ जो काम है, ये सृष्टि का एक सार है, सृष्टि इसके बिना नहीं चल सकती। और परमात्मा इससे निर्मुक्त है, परमात्मा सीधा तो किसी से कोई संबंध नहीं रहता, असंगो ही अयम पुरुषः, तो आत्मा राम है। तो ऐसे में परमात्मा कुछ करता है जैसा दिखता है, लेकिन कुछ करता नहीं। आज जिस प्रसंग को हम सुन रहे थे उसी में ही है, जन्म लेता नहीं है, अजायमान है, जन्म नहीं लेता है कभी भगवान, किंतु जन्म लेता हुआ जैसा। अभी कितना आनंद आया भगवान का जन्म सुनकर के, आपको कितना आनंद आया। भगवान जन्म लेता नहीं है, वो स्वयं उसी जगह पे भागवत में उसी पंक्ति में लिखा है। तो आप सोचेंगे तो जन्म लेते ही नहीं, तो जन्म के इतनी सारे बातें क्यों कर रही, हम उसको उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उससे आनंद होता है, उससे हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं और हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं, हम नाचने लगते हैं। तो ये तो एक अद्भुत शक्ति है। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि यद्यपि सृजन को आगे चलाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, भगवान को आपसे ही संतान पैदा करा सकते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है। भगवान चाहे तो संकल्प से ही संतान पैदा कर दें, किंतु आपको उसके माध्यम बनाया, आप केवल माध्यम है। आप में वो विकार पैदा करते हैं, वो भाव पैदा करते हैं, वो आकर्षण पैदा करते हैं, वो रस पैदा करते हैं, और उससे आपको भी आनंद होता है, और भगवान के लिए आप संसार के संतति परंपरा को आगे भी बढ़ाते हैं। इतनी सुंदर इसकी व्याख्या है, क्योंकि आपको अभी समझ में आया होगा कि मैं किस दिशा में सोच रहा हूं। इसके लिए अभी कुछ शास्त्र प्रमाण देना है। जैसा हमने कहा कि एक ही स्वरूप को, एक ही शरीर को भगवान ने दो भाग में अपने आप विभक्त किया और स्त्री पुरुष बनाए और दोनों को मिला के सृष्टि को आगे बढ़ाया। अब इसी को यदि आप इस प्रसंग में देखें, देखिए रास शब्द, रास शब्द जो बनता है, रास एक प्रकार की क्रीड़ा है, तो रस से भी रास बना सकते हैं और रस धादु से घय प्रत्यय करके भी रास बना सकते हैं। तो रस से रास बनाएंगे तो रस संबंधी ऐसा अर्थ होता है, ठीक है, रसो वै सह रसगुम्हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस का अर्थ क्या है, परमात्मा है, रसो वै सह परमात्मा। अब आपको समझ में आएगा कि रास किस अर्थ में बना है। रास का अर्थ है परमात्मा संबंधी, परमात्मा संबंधी क्रीड़ा, क्योंकि अमरकोश आदि क्रीड़ा अर्थ करते हैं, एक प्रकार की क्रीड़ा जो हम खेलते हैं, यहां होली के समय में भी होता है, इसी प्रकार चाहे नवरात्रियों में भी ये क्रीड़ाएं होती है, और गुजरात आदि में भी, दक्षिण में सर्वत्र होता है। और हमने ये देखा इस प्रकार की क्रीड़ा, हम कभी जाते हैं ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में भी जाते हैं, अरुणाचल में एक बार गया था,
वहां अरुणाचल तो आप सुने होंगे, वहां तो आदिवासी ही अधिकतर रहते हैं, वहां भी बिल्कुल इसी प्रकार की क्रीड़ा है। उनको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन सब जगह ऐसे युगल क्रीड़ा है। ये रास लीला के ही अलग अलग प्रकार समझ लीजिए। तो परमात्मा यदि रस है तो परमात्मा से जुड़ने के लिए एक उपाधि है, एक माध्यम है। अब इसके लिए यहां क्या क्या शब्द मिलता है हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि तब आपको विश्वास होगा कि यही बात इसमें कह रहे हैं और कैसे वक्रोक्ति है यह भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया, कोई ग्रंथ को अध्ययन करते समय प्रारंभ अवस्था में आपको कोई संशय होता है तो वो ग्रंथ का अंत तक अध्ययन करना चाहिए। संदिग्धे ही वाक्य शेषात, ऐसा सूत्र है मीमांसा के। कोई संदेह होता है कि यहां क्या तात्पर्य कहना चाहते हैं, आपको ज्ञात नहीं हो रहा, तो आप अध्ययन करते जाइए, पढ़ते जाइए, देखते जाइए, अंत में जाके आपको मालूम होगा कि इसमें ऐसा है। जब विधान में अर्थ ज्ञान नहीं होता है, माने कोई कर्म का विधान कर रहे हैं उसका अर्थ ज्ञान नहीं होता है, किस लिए कर्म कहा गया नहीं होता है, तो आपको फलश्रुति में देखना चाहिए। फलश्रुति में मिलेगा कि ये फल क्या के लिए कह रहा है। तो रासा पंजाध्याय के जो अंतिम 33वां अध्याय है उसमें 40वां जो श्लोक आता है, अभी कुछ कुछ श्लोक अंश में सुनाता हूं क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है, कि उधर कहते हैं कि भगवान ने ये क्रीड़ाएं की। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु, इस प्रकार की क्रीड़ाएं भगवान ने की, इसका क्या फल है? श्रद्धान्वितो अनुश्रुणुयाद अधवर्णयेद्यः। अब इस रास पंचाध्याय के क्रीड़ा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे और जो श्रद्धा पूर्वक वर्णन करेंगे यानी कथा करेंगे, अब देखिए क्या फल मिलेगा इनको, ये बता रहे। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमाशुपहिनोत्यचिरेण धीरः। यह है इसका फल, कितना स्पष्ट है देखिए कि भक्तिम पराम भगवती लभते, पराभक्ति भगवान में प्राप्त होगी, और दूसरा प्रतिलभ्य उस भक्ति को प्राप्त कर, कामम हृद्रोगम, ये काम जो है हृदय का रोग है, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापात्मा विद्ये नमिह वैरिणम, भगवद्गीता में कहा। और ये क्या है? ये स्वाभाविक रोग है, एक अवस्था में ये रोग अत्यंत प्रबल हो जाते हैं और वहां इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है बृहदारण्यक उपनिषद में, कहते हैं कि रुद्राह, इंद्रियां जो है रुद्र जैसे हो जाते हैं, वश में नहीं रहते, मन वश में नहीं रहता, ऐसा रोग हो जाता है। तो ये हृद्रोग जो काम है इसको अचिरेण अपहिनोति, तुरंत ही निवारण कर देता है, यह है इसका फल। तो ये फल यदि प्राप्त होना है तो उधर एक विशेषण दिया, धीरः, धैर्यवान होना चाहिए, तब ये समझ पाएंगे कि क्या कह रहे हैं। तो काम को जीतने के लिए ही ये वर्णन यहां किया गया है, और यह कामान्वित वर्णन नहीं है, हृदय क्रीड़ा का वर्णन नहीं है। आपको ऐसा लगता है, यद्यपि रमु धातु का प्रयोग रति शब्द में भी होता है, रम शब्द क्रीड़ा में अर्थ में भी होता है, लेकिन यह वह क्रीड़ा नहीं है, क्योंकि इधर 29वां अध्याय में एक और पंक्ति आई, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्याभिसंगता।
उसी परमात्मा को यदि जार बुद्धि से भी कोई प्राप्त करें तो जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना, इससे स्पष्ट और क्या होना है। और यहां गुणमयं देहं जही ऐसा कहा, गुणमय शरीर जहुर गुणमय शरीर को नष्ट करते हैं, नाश करते हैं। ये गुणमय शरीर क्या है? तीनों गुणों से बना हुआ ये जो स्थूल शरीर है इसी को कह रहे हैं। और ये 29वां अध्याय का 11वां श्लोक है, यहां अभी आगे का प्रसंग नहीं आया, उसके पहले ही कह रहे हैं उनकी तैयारी, उनके मन कैसा रहा। गोपियां जब इस प्रकार सोच रहे थे तो उन्होंने गुणमय शरीर को त्याग दिया और सद्य प्रक्षीण बंधना, सारे बंधन से मुक्त हो गए। तो इस पंक्ति को लेकर के हमारे गुरुजी कहते थे कि ये वस्तुतः स्थूल शरीर से हुई लीला नहीं है, ये है स्वाप्निक भाव में, यानी जब मोहित, मोहित शब्द का भी प्रयोग है, मोहित अवस्था में, जैसा स्वप्न में आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में सभी प्रकार के क्रीड़ाएं होती हैं, सबको स्वप्न होता है अलग अलग प्रकार से। तो ये स्वाप्निक भाव है जो बाहर प्रकट किया है, क्यों? गुणमय शरीर को उन्होंने त्याग दिया, अभी उनके पास स्थूल शरीर नहीं है ऐसा बताया। दूसरी बात कि जो गोपियों की अवस्था वहां बताई गई है, भगवान से मिलने की जो लालसा उनकी बताई गई है, सब कुछ भूल गई है। और अर्धरात्रि के समय है, शरद ऋतु में अर्धरात्रि है, उस समय की बात हो रही है, वहां सारे वर्णन ऐसे ही है वहां। और रात्रि के समय ही भगवान ने यह निश्चय किया, ऐसे वहां स्पष्ट रूप से वाक्य आता है, रंदुम मनश्चक्रे योगमाया समाश्रितः, ये शब्द आता है। वहां क्या है कि सर्वधर्म परित्याग, इसी आधार पर अब इसके आप व्याख्या करेंगे तो पूरा स्पष्ट समझ में आ जाता है, क्योंकि गोपियां अपठित है। मैं तो मूर्ख शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, मूर्ख ऐसा नहीं, अपठित है, अशिक्षित है, उनको और कुछ ज्ञान नहीं है। जो स्वाभाविक गुण उनके पास है वो है एक मन, एक बिल्कुल जिसको हम ओपन हार्ट कहते हैं, जब खुला हुआ बिल्कुल स्वच्छ एक मन उनके पास है, और भगवान के प्रति चिर परिचय के कारण आकर्षण हो गया है। अब ये जो दो गुण हैं, इसको लेके कृपा मूर्ति करुणा मूर्ति भगवान गोपियों का उद्धार करना चाहते हैं। आपके पास क्या गुण हैं ये देख करके यदि आपके अध्यापक आपको पढ़ाएंगे तो आप जल्दी ही सुशिक्षित हो जाएंगे, क्यों? जो बच्चे के पास जो गुण रहता है उसी गुण को प्रोत्साहन देना है। इसी प्रकार गोपियों के अंदर जो गुण है उसको लेकर के भगवान ने ये लीला रची है। और जो भी उपदेश भगवान का वहां देखिए, कितने वो प्रतिपक्ष में उपदेश देते हैं कि बोले ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, और पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ रात के समय मिलने जाना कितना गलत है, ऐसे ऐसे भगवान वहां समझाते हैं। ये क्या दिखा रहा है? क्योंकि हमारे शास्त्र की एक विशेषता है, धर्म से, धर्म को छोड़ करके कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी कहेंगे तो धर्म को वहां रख करके याद दिला करके कहेंगे, काव्य भाषा भी प्रयोग होगी
तो धर्म के अनुसार होगी, इसलिए बीच में रखा है, भगवान के वचन के रूप में स्पष्ट रखा है। तो वहां देखिए रात के समय में गोपियां गाय धो रही थी, दोहन कर रही थी, दोहन को वहीं छोड़ करके चले। अब मुझे पता नहीं है कि अर्धरात्रि में कहीं दोहन भी होता है, हमारे गांव में तो नहीं होते, यहां तो नहीं होते है ना, अर्धरात्रि 12 बजे के समय कहीं दोहन करते, गाय उस समय सो रही होती है, दोहन का समय थोड़ी है वो। अब इसको आप कैसे समझेंगे, वास्तविक अर्धरात्रि के समय दोहन कर रही थी क्या, ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए ये स्थूल नहीं है, स्थूल है तो वहां प्रसंग बैठेगा ही नहीं। और आगे जो भी कहा, दूध आदि चूल्हे पर रख करके या वहां लेप्सी बना रहे थे, वो क्या क्या कर रहे थे, ये जो भी बता रहे हैं, कुछ भी वहां घटित नहीं होता है। यदि असली में आप कथा को समझने के लिए भी आप मन में रखेंगे तो अर्धरात्रि के समय ये सारी चेष्टाएं कैसे हो सकती है, वो तो सो रही है। और दूसरी जगह कह रहे हैं कि पदियों के साथ सो रहे हैं, ये भी तो है ना, और ये भी है और ये भी है, ये कैसे होगा तालमेल इसका। इसलिए मैंने बोला सारी वक्रोक्ति है, आपको ऐसे घुमा रहे हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि यह हुआ क्या है, आपको केवल इतना समझ में आएगा हाँ गोपियों ने भगवान के साथ रासलीला की, और बहुत सुंदर वर्णन वहां दिया, और आगे पीछे जो शब्द लगा रखे हैं इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये क्यों है, क्योंकि हमारे मन गोपियों जैसे शुद्ध नहीं है, ठीक है, हमारे मन में कुछ कलंक है, हम उसी दृष्टि से देख रहे हैं तो वही हमको दिखाई दे रहे हैं, और वहां तो बिल्कुल दूसरी चीज से बता रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा और भी आप वर्णन देखिए वहां, आत्मा रामो प्यरीरमत, वहां शुरू में आरंभ में कहते हैं भगवान आत्मा राम है, आत्मा राम का अर्थ आप जानते हैं आत्मनि रमते, अपने आप में रमण करते हैं, जैसा राम शब्द का अर्थ है ना वही है, ये रम धातु सर्वत्र रम धातु प्रयोग किया है, रे मे रन तुम रे मे, सब वही धातु का प्रयोग करते। तो आत्मा राम हो तो वहां क्या रमण का अर्थ क्या होता है, आत्मा राम आत्मा में ही रहेगा, आत्मस्वरूप में रहेगा, और रे मे स भगवान स्ताभि आत्मा रामोपि लीलया, वहां लीला शब्द का प्रयोग करते हैं, और एक जगह आत्मरदोप्य अखंडितः शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे अनेक स्थान हैं, और दूसरा एक विशेष है 33वां अध्याय में, रे मे रमेशो व्रज सुंदरी भीर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम, अर्थात एक बच्चा अर्भक माने छोटा बालक होता है, जो नन्ना बालक जो होता है वह अपने प्रतिबिंब को देख करके जैसा खेलता है, प्रतिबिंब में खेलता है ना, हम लोग बचपन में खेलते थे, ये इधर उधर तो खेलता है तो वो पीछे पीछे घूमता है ऐसे करके, इसी प्रकार का खेल भगवान ने वहां दिखाया। अब देखिए इसमें क्या सा, कैसे आप इसको वास्तविक बोलेंगे, स्पष्ट है, इसीलिए ये स्वप्नवत है। तो उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए ये सब किया है। अब आगे बताते हैं ये जो मैंने कहा पहुंचाने की बात, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः, भगवान जन्म लिया क्यों, सभी भूतों के अनुग्रह के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, तभी जन्म लेते हैं, तब क्या करते हैं, भजदे तादृशी क्रीडा, जैसा मैंने कहा जिसको जैसी क्रीडा चाहिए वैसी क्रीडा भगवान करते हैं, या श्रुत्वा तत्परो भवेत, क्यों ऐसी क्रीडा करते हैं, क्योंकि उन क्रीडाओं को जान करके भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। कल मैंने इसी बात को कहा, इंद्रो माया भी पुरूपये तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, भगवान ये चाहते हैं कि इसको देख करके ये मेरे प्रति आकर्षित हो जाए, ये लोग चिंतन करें अरे कितनी अद्भुत सृष्टि बनाई, किसने बनाया,
ये चिंतन कराने के लिए, भगवान के प्रति आकर्षित करने के लिए आपके अंदर जो स्वाभाविक गुण हैं वो काम भी क्यों ना हो, क्योंकि एक शब्द ऐसा ही स्पष्ट कहा वहां, उसी में ही है 29वां अध्याय में, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरो विदधदो यांदि तन्मयताम हिते। वाह कितना सुंदर है, देखिए आप भगवान के पास ध्यान करके भी जा सकते हैं, भजन करके भी जा सकते हैं। कहते हैं कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्द, इन सभी से भगवान के पास आप जा सकते हैं। जिनको जैसा लगा वैसे, आज जैसे कंस के बारे में सुना, शिशुपाल हैं, ये सब क्रोध से शत्रु भाव से भगवान के पास चले गए, कोई किसी भाव से कोई किसी भाव से, इसका तो पूरे विस्तार कथाओं में है। अब इतने होने के बाद में हमारे शास्त्र में आता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पुण्य और पाप से मुक्त होना चाहिए, यह आपने सुना होगा, पुण्य और पाप से मुक्त होंगे तभी भगवान के पास जाएंगे। तो वो भी भगवान यहां सूचित करते हैं, गोपियां भी पुण्य और पाप से मुक्त हो गए तभी भगवान के पास गए लीला के लिए। वहां कहते हैं दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रता पहुता शुभा, अशुभ का अर्थ पाप, उनके पाप नष्ट हो गए। कैसे? तीव्र विरह ताप से, क्योंकि नाश करने के लिए ताप चाहिए, तो विरह ताप, तीव्र विरह ताप से पाप नष्ट हो, ये सब रास पंचाध्याय के ही है, उससे प्रथमाध्याय के, तब पाप नष्ट हो गए। तो आप सोचेंगे तो पुण्य तो रह गया, पुण्य है इसलिए तो भगवान के पास पहुंचे, बोलते नहीं, क्योंकि पुण्य भी बंधन का कारण है। आगे के कहते हैं ध्यान प्राप्ताश्चुदाश्लेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगला, क्षीण मंगला, उनके पुण्य भी नष्ट हो गए। कैसे? ध्यान प्राप्त अच्युत आश्लेष निर्वृत्त्या, तो पुण्य भी पाप भी दोनों से जब मुक्त होते हैं तभी स्वरूप को प्राप्त करते हैं, ये भाव भी है और विरक्त भाव तो है ही, क्योंकि वहां जो वर्णन आता है आगे आप देखेंगे कि पति को अपने परिवार को सबको त्याग करके ही आते हैं और वे कहते हैं कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन नित्य प्रिय पदि सुदादिभिर अरधिर्दये किम्। क्या भी हमें पदि सुदा आदि प्रिय आदि जो भी है उनसे क्या लेना, हम आपसे प्रिय प्रेम करते हैं, आपके प्रिय हो गए हैं, तो विरक्ति भी वहां दिखता है, मुमुक्षुता भी वहां है, पुण्य पाप से मुक्त भी हो गए हैं, कर्म बंधन से मुक्त भी हो गए हैं, और जितने भी लक्षण यहां चाहिए मोक्ष के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये सारे पंच अध्याय में है। इसमें कुछ हमने चुनाया समय के अनुसार, अभी दो चार शब्द और बोल के समाप्त करते हैं और फिर सर्वधर्म परित्याग के बारे में कल बोलेंगे। इसके बाद एक भाव जिसके विषय में चिंतन करते रहता है, परमात्मा के चिंतन करते रहता है, तत्भाव को प्राप्त करता है, और हमारे वेदांत में कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करते हुए उस भाव को प्राप्त करते हैं। गोपियों ने भी इसी भाव को प्राप्त किया है। अब देखिए उनके कामना को लेकर के भगवान के प्रति जो अति तीव्र प्रेम है उसको लेकर के उसी से वो तद्भाव को प्राप्त किए। जब भगवान तिरोभूत हो गए, तिरोभूत क्यों हुए? क्योंकि उनके अंदर अहम भाव आ गया था। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्यो अभ्यधिकं भुवि, अहंकार आ जाता है तो भगवान तिरोभूत हो जाते हैं,
यदि आप अहंकार अभिमान से रास पंचाध्याय का अध्ययन करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भगवान तिरोभूत रहता है, क्यों? उनकी एक प्रेयसी ऐसी भी है जो तिरोभूत रह करके भगवान के साथ रहती है। इसी प्रसंग में राधा जी के बारे में तो ऐसे कहते हैं, राधा जी यहां तिरोभूत है, प्रकृति है, माया है, भगवान के साथ रहने वाली शक्ति है। एक दो शब्द में वहां संकेत मिलता है, उसको छोड़ करके यहां राधा जी का कोई प्रसंग नहीं मिलता। तो तिरोभूत रह करके एक साथ है माया की समान। तो जब अहंकार आ गया तो क्या होता है, अहंकार आने पर व्यक्तित्व आ जाता है, पर्सनालिटी जिसको बोलते, मैं करके अभिमान करने लगते, तब उसी क्षण में आप भगवान से अलग हो जाते हैं। भगवान से एक जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य करने के लिए एक ही माध्यम है, आप अपने अहंकार को नष्ट करो, अहंकार को लय करो। जहां लय हो जाता है सब कुछ वहां प्राप्त हो जाता है। वहां कहते हैं गोपियां 30वें अध्याय में, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति कैसे उनको प्राप्त होगी, कृष्णोहम पश्यदगदिम ललितामिति तन्मनाः, ऐसे कई वर्णन है वहां कि स्वयं गोपी कृष्ण बन जाती है और दूसरी गोपी को कहती है कि देखो मैं कृष्ण बन गई हूं, देखो कृष्ण जैसे चल रही हूं ना, कैसे लग रहा है, देखिए क्या भाव है। और श्रृंगार रस के वर्णन में आप देखेंगे तो ये सब श्रृंगार रस के साहित्य के अनुसार ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रेयसी को ध्यान करते करते उसी रूप को प्राप्त करते, ऐसे ही वहां होता है, वहां मूर्छाएं होती है, कुछ कुछ होता है अवस्थाएं। तो ये विप्रलंब में रह करके, विरह में रह करके तादात्म्य को प्राप्त किया और तादात्म्य भाव से कृष्ण का अनुभव कर रहे। अब ये सब एक रात्रि में हो गया क्या, या कुछ दिनों में हो गया क्या? नहीं, ये है उनके कर्म का फल, उन गोपियों की जो उपासना है उसका फल है, निरंतर ध्यान विचार करने का फल है, तब ये ऐसा हो सकता है। एकाएक ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं ये जिस प्रकार से उपासना करते हैं तत्तद रूपदा, उसी रूपद को प्राप्त करते हैं और तत्तद देवता का आकार ले लेते हैं, ये उपनिषद प्रमाण है इसका। यथा यथा उपासते तथैव भवति, वैसा हो जाता। अब कृष्ण मिले ना मिले, गोपियों को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां के वर्णन के अनुसार, क्योंकि उन्होंने आत्मसात कर लिया, तभी तो कह रहे हैं सर्वत्र नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंदर आत्मदृक। ये कब हुआ? ऐसे अन्वेषण किए तब उसको प्राप्त किया, तब अहम ब्रह्मास्मि अनुभव को, अहम ब्रह्मास्मि करके जो प्राप्त करते हैं उसी अनुभव को प्राप्त किया। इस प्रकार के अनेक वर्णन वहां प्राप्त होता है, जिससे कि ये 5 अध्याय में एक विशेष साधन प्रकार बताया। और ये लगते हैं कि गोपियों के लिए ही ये संभव है, हमारे लिए ये साधन संभव नहीं है। ऐसा नहीं, हमारे लिए भी ये साधन संभव है। गोपियों जैसे प्रेम यदि आपके अंदर उदित हो जाए, ऐसी तीव्र कामना प्रकट हो जाए भगवान के लिए, तो आप भी इस भाव को प्राप्त करेंगे। और हमारे सामने मीरा भाई उसके उदाहरण, गोपियों के कितने हजारों साल बाद अभी भी ऐसे हम साधकों को जानते हैं, इस प्रकार के भाव रखने वाले।
तादात्म्य को प्राप्त करते हैं, यह बिल्कुल संभव है। तो इसी दृष्टि से उन पंक्तियों को यदि आप देखेंगे तो उसका असली रस जो रास रसो वै सह परमात्मा, उस परमात्मा से संबंधित क्रीड़ा वो क्या है आपको समझ में आएगा। तो कुछ समय में 5 मिनट अधिक ही हो गया, तो मैं जो भी इस समय में तैयार किया है उस हिसाब से आपको सुनाया। ये बहुत ही विशेष विषय है, और जैसा कहते हैं कि ये इसमें वेद भी, वेदांत भी, शास्त्र भी, सब कुछ निहित है। और हमारे सृष्टि का सार, क्या है? काम है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा धर्माविरुद्धो कामोऽस्मि, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है। एक जगह कहते हैं काम एष क्रोध एष, ये काम और क्रोध बड़े जो है शत्रु है, इनको जीतना चाहिए। और दूसरी जगह कहते हैं धर्म अविरुद्ध कामोऽस्मि भरदर्श। तो ये दोनों का यहां समन्वय है, और भागवत से ही इसका समाधान होगा। आपको कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ भागवत में है। थोड़ा जैसे कहते हैं संदिग्ध वाक्य शेषाद बोलते हैं, तो वाक्य शेष को आगे पीछे जोड़ना पड़ेगा कि वो नियम के अनुसार यदि आगे नहीं मिला तो आप पीछे जाके फलश्रुति में देखिए, मैंने फलश्रुति से पीछे आया तो फलश्रुति में स्पष्ट कर दिया कि ये काम को नष्ट करने के लिए, हृद्रोह को नष्ट करने के लिए कहा है भगवान ने, तो इस अर्थ में किया है। आप चिंतन करेंगे, आनंद आएगा, बहुत ही सुंदर, आगे आप श्रवण भी करेंगे। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री सच्चिदानंद भगवान की। पूज्य स्वामी जी महाराज ने रास पंचाध्यायी के माध्यम से बहुत सारे रहस्य सूत्र रूप में खोज करके, उस सार रूप में निकाल करके हम लोगों को प्रदान किए। स्वामी जी का प्रवचन कल और होगा, कल ही उनके प्रवचनों का विश्राम होगा, कल ही वो प्रस्थान करेंगे, इसलिए कल का दिन स्वामी जी के लिए वाणी सुनने का और है। आप लोग कल ठीक समय पर इसी समय पुनः आ करके रास पंचाध्याय के ही विषय में, अभी आपने जो कहा कि ये भक्ति देने वाली है, हृदय रोग का निवारण करने वाली है, और किस प्रकार से सर्वधनमान परित्यज्य का इसमें संदेश है, वो कल के प्रवचन में श्री स्वामी जी महाराज बतलाएंगे। आप लोग समय का ध्यान रख के पुनः पधारें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे।